नमस्कार दोस्तों, मैं बलवंत मीणा एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल स्नेक लवर बीके में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज एक ऐसे जीव के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि सांप की तरह जीव निकालता है और उसके बारे में बहुत सारा अंधविश्वास है जो कि लोगों के अंदर रहता है। हर बार लोग जब हम उसको रेस्क्यू करने के लिए जाते हैं, हालांकि हमारे YouTube चैनल पर इसका फर्स्ट वीडियो है ये, तो मैं चाहता हूं कि इसके बारे में मैं आपको काफ़ी डिटेल से जानकारी देने की कोशिश करूंगा। आई होप कि मेरी जानकारी आपको पसंद आए। तो दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ मॉनिटर लिजर्ट जिसको गो के नाम से जाना जाता है और हमारी राजस्थान की भाषा में घोड़ा, गो, बड़ी चिपकली और बहुत अन्य कई नामों से जाना जाता है। तो मुझे आज एक कॉल आई हुई थी जिसके अंदर हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ से एक कॉल आई हुई थी, तो मैं वहाँ पे दोपहर को 2 बजे वहाँ पे रेस्क्यू के लिए गया। तो मुझे वहाँ पे एक नाइल मॉनिटर लिजर्ट मिला, जिसको नाइल मॉनिटर लिजर्ट मिला। ये एक इसकी इंडिया में 6 प्रजातियाँ मिलती है और ये शुरू से जैसे ही लोगों से सुनते हम कि ये अगर ये काट जाए तो इसका कोई इलाज नहीं होता या फिर लोगों की जान चली जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता इसमें नॉन वेनमस होता है ये। अगर आपको बाइट भी कर जाता है तो आपको चिंता जैसी कोई बात होती नहीं है, ठीक है। हालांकि इसमें कई मॉनिटर लिजर्ट ऐसे भी होते हैं जिनकी लेंथ 10-10 फीट तक लंबा हो सकता है और वो पे आमतौर पर 3 फीट 3.5 फीट और बड़े भी मिलते हैं यहाँ पे, जो पानी में रहते हैं ज़्यादातर, और कुछ ऐसे होते हैं जो बाहर भी रहते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसे सरीसृप होते हैं जो कि सांप की तरह ही जीभ निकालते हैं। ये दीवार पर चिपकने और किसी चीज़ को मजबूत पकड़ होती है इनकी। अगर ये किसी पर चिपक जाए तो हम उसको खींचते फिर भी ये नहीं निकलते। जो राजा महाराजा होते थे पहले ज़माने में, उस टाइम उसको रस्सी से बांध कर उसको दीवार पर फेंका जाता था और दीवार के सहारे उसको चिपका के फिर उसके सहारे ऊपर चढ़ा जाता था। ये सब कहानियाँ इसके लिए सुनने में आती है। तो बस मैं हमारे सब्सक्राइबर और हमें जो लोग देख पा रहे हैं, हम उनसे यही कहना चाहते हैं कि ये नॉन वेनमस होते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई वेनम नहीं होता। और अगर ये बाइट भी कर जाता तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं। अगर आप डरोगे तो शायद ब्लड सर्कुलेशन या फिर हार्ट अटैक की वजह से आपकी डेथ हो सकती है। तो मैं सभी हमारे जो है सब्सक्राइबर उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको अगर सांप भी अगर बाइट कर जाए या फिर कोई भी जीव कर जाए, अगर वो वेनमस है या फिर नॉन वेनमस है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बिना कहीं चीरा मारे कुछ भी किए आप समय पर उसको अस्पताल ले जाइए, वहाँ जाके ब्लड टेस्ट होगा, BT CT टेस्ट होगा, उसके बाद पता चल जाता है कि अगर वो वेनमस था या नहीं था। हाँ, तो ये अफ्रीका के पश्चिमी भागों में ज़्यादा संख्या में मिलते हैं और इसके जो बच्चे होते हैं वो छोटीले चटकीले और चमकीले कलर के होते हैं। तो ठीक है, मैं इसको बाहर निकाल के आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ ये किस प्रकार से दिखता है और इसमें क्या क्या खासियत होती है। बने रहिए आप मेरे वीडियो में, आगे और मैं आपको दिखाता हूँ। थैंक यू सो मच। हाँ, तो दोस्तों, मैं आपको एक मॉनिटर लिजर्ट का छोटा सा बेबी है जो दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसको नाइल मॉनिटर लिजर्ट कहा जाता है और हमारी जो यहाँ पे सिरोही की भाषा है वहाँ पे चंदन गो, घोड़ा, कीचड़ वाली गो और बहुत सारे मारवाड़ी नाम दिए गए इसको। तो मैं आपको दिखाता हूँ बाहर निकाल के। हाँ, तो ये किस प्रकार से दिखता है मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो इसे मॉनिटर लिजर्ट कहा जाता है और इसे नाइल मॉनिटर लिजर्ट कहा जाता है। हालांकि ये किसी भी प्रकार का इसमें कोई वेनम नहीं होता। तो हमारे हिंदी भाषा में इसको बहुत सारे नाम दिए गए। तो ये अभी बेबी है, छोटा सा है, इसकी लेंथ और बढ़ सकती है और बढ़ के थोड़ा बड़ा हो सकता है। मैंने इसको सरकारी हॉस्पिटल से इसको रेस्क्यू किया है और मैं इसको यहाँ रिलीज करने जा रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों, तो आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल स्नेक लवर बीके को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर दबाएं ताकि मैं कोई भी वीडियो किसी भी स्नेक या फिर रेप्टाइल्स के बारे में अपलोड करूंगा तो उसके बारे में आपको पहले से नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और थैंक यू सो मच हमारे वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।